माता देखिए ना, सभी ने कितनी निष्ठा से आपका व्रत रखा, आपकी पूजा की और आपकी कृपा दृष्टि पाने की लालसा है सभी को। संतान प्राप्ति की इच्छा में आप कदाचित भूल ही गई माता कि आज संसार आपका और आपके भ्राता चंद्रदेव का जन्मदिन मना रहा है। आज ही के दिन समुद्र मंथन से आपने और चंद्रदेव ने जन्म लिया था। उसी दिन चंद्रदेव को प्रभु महादेव ने अपने मस्तक पर शोभित किया था और प्रभु नारायण से आपका विवाह हुआ। और हाँ, आज वही शुभ पर्व शरद पूर्णिमा है, आपके जन्म और विवाह की तिथि, और विधि अनुसार आप और प्रभु श्री हरि नारायण दोनों संसार भ्रमण करते हैं। संसार पर आपके आशीष की वर्षा होती है और इस पर्व पर चंद्रदेव भी अमृत वर्षा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। मुझे स्मरण कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, अन्यथा मेरी ममता के उफान में संतान की लालसा में शेष सब कुछ धुंधला हो जाता, मैं अन्य सब कुछ भूल जाती। आपकी ममता से ओतप्रोत आपका आशीर्वाद आज उन्हें भी मिलेगा जो उससे वंचित रहे हैं। वो सभी धन्य हो जाएंगे, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे, उनमें नए प्राण आ जाएंगे। प्रभु, हमें आगे की यात्रा की अनुमति दें। चंद्रदेव हमारी प्रतीक्षा में होंगे। उचित है प्रभु नारायण। और हाँ माता, आपकी प्रतीक्षा भी अब शीघ्र समाप्त होगी। आप जगत भ्रमण कर कल जब वैकुंठ लौटेंगी तो आपकी संतान स्वयं आपके पास आ जाएगी। अब आप निश्चिंत होकर जगत भ्रमण के लिए प्रस्थान कीजिए। आइए प्रिय, शरद पूर्णिमा की इस कोजागरी रात्रि में रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करने वाले सभी भक्त हमारी संतानें ही तो हैं, उन्हें भी हमारे आशीर्वाद पाने का अवसर मिलना चाहिए। सुमनत वंदित सुंदरी माधव चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनि गण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, जय जय है मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेणा पालया मां। श्लो अष्ट लक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरद काम रूपिणी, विष्णु वक्षः स्थलारूढ भक्त मोक्ष प्रदायिनी, श्लो शंख चक्र गदा हस्त विश्व रूपिणी ते जयः, जगन्मात्रे च मोहिन्ये मंगलं शुभमंगलम्। पुत्र गणेश, पुत्र ये खीर बाहर अंबर के नीचे रख दो। जो आज्ञा माता। गणेश, आज तुम्हें निद्रा का सुख प्राप्त नहीं होगा, ज्ञात है ना? हाँ माता, आज तो सुख ही सुख है, क्योंकि आज तो हम मामी श्री लक्ष्मी और मामा श्री हरि नारायण का भजन कीर्तन करेंगे। हाँ पुत्र, तभी तो तुम्हें उनका आशीष प्राप्त होगा। जो आज्ञा माता। अर्थात माता, आज की रात्रि जो सोएगा वो आज सुख प्राप्त करेगा, किंतु जो आज जागेगा उसका तो जीवन ही सुखी हो जाएगा। हाँ पुत्र, आज देवी लक्ष्मी और भ्राता नारायण के आशीर्वाद के साथ चंद्रदेव अमृत वर्षा करेंगे और सभी भक्तों को वर्ष भर के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करेंगे। और शीघ्र संसार माता के अनुपम ममतामय स्वरूप के दर्शन करेगा।
मेरे मातृत्व को भी पूर्ण सुख मिलेगा। अब तो एक पल भी प्रतीक्षा करना सहन नहीं हो रहा है। क्षमा कर दो माता, अब तो क्षमा कर दो, अपनी इस पुत्री पर दया करो माता, मेरा आंचल पुनः सूना मत करो माता। मेरे साथ फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये कष्ट कैसे सहूंगी माता, मेरा कष्ट दूर कर दो माता। जबकि मैंने अपनी भूल सुधार ली है माता, फिर यह सहनी है पीड़ा क्यों सहनी पड़ रही है मुझे माता? क्षमा कर दो माता, क्षमा कर दो, अब तो मुझे क्षमा कर दो, मेरा आंचल फिर से सूना मत करो माता। माता, ये कौन है और इनसे क्या भूल हुई है? ये इस नगर के बड़े साहूकार और मेरे भक्त की दो पुत्रियों में से एक है। जब दोनों पिता के साथ थी तब पिता ने आनंद से भरकर एकाग्र किया। आज का दिन एक पिता के लिए बड़े ही आनंद का दिन है। शरद पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मेरी दोनों बेटियां आज मेरे साथ अपने मायके में हैं। आज मैं नियत कर सकता हूं कि मेरी बड़ी पुत्री के साथ छोटी पुत्री भी व्रत करेगी। क्यों पिताजी, अब मायके में भी व्रत करना होगा? ऐसा क्या होगा इससे? माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होगी पुत्री। तुम्हारे माता पिता, तुम दोनों, तुम्हारी आने वाली संतानें सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगी। विधि विधान से व्रत रखना पुत्री, और चंद्रदेव के दर्शन के पहले व्रत न तोड़ना, एक दाना भी मुख में मत रखना। खीर? दीदी, खीर भगवान को चढ़ेगी ना? अच्छी है या नहीं किसी को तो चक्कर देखनी पड़ेगी ना? नहीं छोटी, याद है पिताजी ने क्या कहा था? चंद्र दर्शन से पूर्व एक भी दाना हमें नहीं खाना है। दीदी, इस घर की तो सदा यही रीत रही है, पिताजी उचित अनुचित कुछ भी कह देते हैं और आप उनकी दृष्टि में अच्छी बनने के लिए उनकी बात मान भी लेती हो और वैसे ही करने लगती हो। कष्ट मुझे होता है जब मुझे वो बात माननी पड़ती है ताकि मैं बुरी ना दिखूं। नहीं छोटी, पिताजी की आज्ञा का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है, और भक्ति भाव से पूजा करने को कहकर उन्होंने कोई अनुचित आदेश भी तो नहीं दिया है। पूजा तक तो ठीक था, लेकिन व्रत, बिना भोजन खाए कोई कैसे रह सकता है? मैं तो नहीं रह सकती, और वो भी जब इतने मिष्ठान सामने हो। बस छोटी, कुछ ही देर की तो और बात है, थोड़ा धीरज रखो। अब चंद्र दर्शन में समय ही कितना है, चलो हम दोनों पूजा की तैयारी करते हैं। चलो। अब तुम सात श्रृंगार में लग गई छोटी, पूजा की तैयारी कब करोगी ये सब बाद में कर लेना, चंद्र आकाश में आ गए तो देर हो जाएगी। दीदी आप कर रही हैं ना, वैसे भी ये विधि विधान व्रत ये सब आडंबर लगते हैं मुझे। नहीं छोटी, श्रद्धा और भक्ति आडंबर नहीं है, ये तो हमारा जीवन देने वाले ईश्वर के प्रति समर्पण है, पूजा तो विधि पूर्वक ही होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, किंतु सब ध्यान रखने पर कोई भूल हो जाए तो? अनजाने में कोई भी भूल हो कोई बात नहीं, ईश्वर बड़े क्षमाशील हैं, क्षमा कर देंगे। समझ गई, किंतु आप भी समझ लो, साज श्रृंगार करने का यही समय है, माँ बनने के बाद तो समय ही कहाँ मिलेगा।
छोटी, मुझे सात श्रृंगार में कोई रुचि नहीं है। यही तो आप भूल कर रही हैं दीदी, आपको तो मुझसे अधिक सात श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि मेरी सुंदरता के सामने आपकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। माँ का श्रृंगार और सौंदर्य तो उसके मातृत्व में ही होता है छोटी। चलो अब देर मत करो, मैं खीर रखने जा रही हूँ बाहर। अब उचित है। अब पिताजी के सामने अच्छी बेटी बनी रहने के लिए पूजा पूजा करनी होगी। चलो कोई बात नहीं, पूजा कर लक्ष्मी जी से बहुत सारा धन मांग लूंगी, फिर मन भर कर मिष्ठानों की पेट पूजा करूंगी और फिर भिन्न भिन्न प्रकार के श्रृंगार का सामान लाऊंगी। लड्डू, एक लड्डू खा लूंगी तो क्या होगा उससे? अनजाने में कोई भी भूल हो, कोई बात नहीं, ईश्वर बड़े क्षमाशील हैं, क्षमा कर देंगे। एक लड्डू खा लूंगी तो क्या प्रभु क्षमा नहीं करेंगे? छोटी, ये क्या किया, कैसा अनर्थ कर दिया तूने? दीदी आप ही ने तो कहा था कि छोटी भूल तो प्रभु क्षमा कर देते हैं। अनजाने में हुई भूल, जानकर की गई भूल नहीं। अरे दीदी आप चिंता मत करो, व्रत तो कर लिया मैंने, अब उसे अब तोड़ूं या कुछ क्षण बाद, उससे क्या होगा? पिताजी और आपके कहने पर इतना कर लिया वही बहुत है, अन्यथा मेरे पति बहुत धनवान है, मुझे कुछ मांगने की या फिर व्रत पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या होगा ये तो पता नहीं, पर मैं अवश्य माता लक्ष्मी को मनाऊंगी कि वो तुम्हें क्षमा कर दे। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहे, कुछ बुरा ना हो। बड़ी ने हृदय से प्रार्थना तो की, किंतु तब भी छोटी का भाग्य नहीं बदल सकी। जहां एक ओर बड़ी ने स्वस्थ बालक को जन्म दिया, वहीं दूसरी ओर छोटी के जीवन में एक दुखद घटना हो गई। मेरी संतान, ईश्वर आपने मुझसे मेरी संतान क्यों छीन ली? जो उचित दिशा ज्ञात होने पर भी अंधकार के अनुचित मार्ग पर चली, उससे तो उसके भाग्य को रोटना ही था। छोटी, जो हो गया सो हो गया, अब उसको लेकर दुख करने से क्या लाभ? उसको लेकर इतना मत सोचो, दुखी नहीं रहते मेरी बहन, ईश्वर की कृपा तुम पर भी अवश्य होगी। देखिए ऋषिवर, मेरी पुत्री की एक ऐसी दशा हो गई है, पता नहीं ईश्वर उसे किस दोष का दंड दे रहे हैं। कारण स्पष्ट है, शरद पूर्णिमा की व्रत की अवहेलना कर इसने माता लक्ष्मी की कृपा और सुख समृद्धि को ठुकराया है। ईश्वर का क्रोध अकारण नहीं होता और उनकी दया दृष्टि भी हमें फिर मिल सकती है, यदि हम भूल स्वीकार कर सच्चे मन से प्रायश्चित स्वीकार कर लें। इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगी छोटी, तुम्हें विधि पूर्वक व्रत करना मैं सिखाऊंगी। मधुसूदन कामिनी लक्ष्मी,
ना, क्या हुआ मेरे पुत्र को, ये श्वास नहीं ले रहा है। हे विधाता, कैसी लीला है तुम्हारी। मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा क्यों कर रहा है पिताजी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इस बार मैंने कोई भूल नहीं की, पूरे भक्ति भाव से पूरे विधि विधान से व्रत किया, फिर मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है पिताजी। दीदी मुझसे तो भूल हुई, किंतु आपने तो सदा हृदय से भक्ति की ना माता की, आप भी पूछिए माता लक्ष्मी से, वो आपकी बहन को इस माँ को क्षमा क्यों नहीं कर रही है। इस माँ का दुख मैं नहीं सह सकती, एक स्त्री हूँ मैं, इसकी आहत ममता का आभास हो रहा है मुझे। आपकी ममता से ओत प्रोत आपका आशीर्वाद आज उन्हें भी मिलेगा जो उससे वंचित रहे हैं, वो सभी धन्य हो जाएंगे, उनके कष्ट दूर हो जाएंगे, उनमें नए प्राण आ जाएंगे। प्रायश्चित पूर्ण होने पर कोई भी दंड का भागी नहीं रहता, अब मैं इस माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, इसकी गोद सुनी नहीं देख सकती। माता की कृपा है ना आप पर, तो दीदी तो आप ही कहिए ना उनसे, मुझे क्षमा कर दे, मुझे मेरा पुत्र लौटा दे। छोटी, तुमने अभी तक अपने पुत्र को खीर का प्रसाद नहीं खिलाया। Oh,
जीवित है, मेरा पुत्र जीवित है। आपने इस माँ की ममता का मान रख लिया माता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। आपका आपका बहुत धन्यवाद प्रभु। स्वामी, इस माँ की ममता ने मुझे भाव विभोर कर दिया। मैं वरदान देती हूँ, आज से जो भी भक्त प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा में व्रत कर इन दोनों बहनों की कथा सुनेंगे, उन पर मेरी पूरी कृपा होगी। जिनकी संतान है उनकी संतान को स्वास्थ्य प्राप्त होगा, और जिनकी संतान नहीं है उनको संतान सुख का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए गरुड़ जी। माता लक्ष्मी, आपकी कृपा पाकर तो मैं धन्य हो गया। क्या हुआ प्रिय? माँ, किसी ने मुझे माँ पुकारा। प्रभु मयूरेश्वर ने जो भी कहा वो सत्य ही होगा। आपको माँ पुकारने वाला बालक शीघ्र ही वैकुंठ में आपके पास होगा। वाह वाह, ये खीर तो अब और भी स्वादिष्ट हो गई। इसमें दो माताओं का आशीर्वाद जो है, माता का प्रसाद मैं सभी के साथ बांटूंगा। दोनों भाभी माँ, माता, भ्राता, नंदी जी, सभी को माता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। स्वामी, अब भोर हो रही है, हमें शीघ्र वैकुंठ पहुँचना चाहिए। आज हमारे पुत्र का आगमन होने वाला है और मैं उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। अवश्य प्रिय। गरुड़ जी, ओहो, कितना कुछ करना है मुझे, कोई कमी ना रह जाए। मेरे पुत्र का आगमन किसी भी क्षण हो सकता है। स्वामी, स्वामी, आप इस प्रकार मुक बनकर मत खड़े रहिए, मेरा हाथ बटाइए ना। वैकुंठ की सज्जा करने में मेरी सहायता कीजिए। स्वामी, केवल मेरा नहीं आपका भी पुत्र है वो, जिसका शुभ आगमन होने वाला है। उसके खेलने हेतु एक सुंदर बागीचा होना चाहिए और सोने के लिए एक बहुत सुंदर कक्ष। परंतु अभी तो समय भी नहीं है, जो है उसी को सज्जित करना है। स्वामी, आप इस प्रकार मुझे निहारते रहेंगे, अपना कार्य आरम्भ भी करेंगे। कार्य शुरू कीजिए ना। तो आपने पूरी कर दी, परंतु अभी पुष्पों से वैकुंठ को सज्जित कर दीजिए। उसके खिलौने, उसके वस्त्र, उसके भोजन, इन सभी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। पुत्र, तुम्हें ये पकवान, ये खीर भाएंगे ना? स्वामी,
स्वामी, प्रतीक्षा में व्याकुल मेरे लिए एक पल भी काटना कठिन हो रहा है। आप हैं कि योग निद्रा का आनंद ले रहे हैं। आपने मुझे वैकुंठ की सज्जा करने का कार्य सौंपा, वो मैंने किया, तो अब तो हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। किंतु कैसे स्वामी, मेरे लिए तो बहुत कठिन हो रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? उचित कहा आपने स्वामी, कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। मैं आती हूँ। तुम भी तो खीर प्रसाद खाओ। आनंद आ गया माता, आज तो खीर का स्वाद दुगना हो गया। हाँ पुत्र, इसमें दोनों माओं का योगदान जो है, मेरा प्रेम भी है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी। गणेश के मुख पर इस मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? स्वामी ये क्या, आप फिर योग निद्रा में चले गए? अब क्या हुआ प्रिय? स्वामी मैंने तो सब देख लिया, सब ठीक है, भोजन है, खिलौने हैं, वस्त्र है। अच्छा है, तो अब बस हमें प्रतीक्षा करनी होगी। वही तो समस्या है ना स्वामी, प्रतीक्षा ही नहीं हो पा रही है मुझसे। बस मन इसी में लगा हुआ है कि मैं कब उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी, उसे अपने हाथों से तैयार करूंगी। ओहो, तैयार से तो स्मरण हुआ, आभूषण तो मैंने तैयार ही नहीं किए। कुछ अति विशेष बनाइए, हमारे पुत्र को बहुत अच्छा लगेगा। उचित कहा आपने स्वामी, परंतु आप फिर से योग निद्रा में मत चले जाइएगा। अकेले में एक एक पल मुझे काटने को दौड़ रहा है। स्वामी ने उचित कहा, मुझे कुछ अति विशेष बनाना चाहिए उसके लिए। मैं पुत्र के लिए स्वर्ण के कंगन बनाऊंगी। कंगन भी तैयार है, किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? प्रिय, मैं योग निद्रा में नहीं गया। प्रभु आप परिहास कर रहे हैं मेरे साथ। यहाँ मैं कितनी व्याकुल हूँ उसका अनुमान भी नहीं आपको। कितनी शंकाएं हैं मेरे मन में, मेरा पुत्र कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? प्रभु मयूरेश्वर ने तो कहा था कि हमारे वैकुंठ पहुँचते ही वो हमारे पास होगा, किंतु देखिए दिन का दूसरा पहर हो गया, किंतु हमारा पुत्र अभी तक नहीं आया। मेरी आंखें तो तरस रही है उसे देखने के लिए। मामी, मामी, गणेश अवश्य मेरे पुत्र के साथ ही आया होगा। गणेश तो अकेला है, इसके साथ तो कोई नहीं।